عليكم ورحمة الله وبركاته उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे हम पढ़ने जा रहे हैं अपना स्टोरी नंबर थ्री यानी कहानी नंबर तीन जो कि है द लाइन एंड द रेट और यह बहुत मशहूर कहानी है और बचपन में हमने ये कहानी सुनी थी बहुत ज़्यादा और दादी और नानी दादा नाना वगैरह सुनाया करते थे और किताबों में भी हमने ये कहानी पढ़ रखी है लेकिन हमने उर्दू में पढ़ा होगा या उर्दू में कहानी सुनी होगी आज उसी चीज को हम अंग्रेजी में सुनेंगे और इनशाला सुनेंगे का मतलब यह है अंग्रेजी में पढ़ेंगे और उनको हम समझेंगे इनशाला तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और ये कहानी है द लाइन एंड कहानी शुरू होती है देर वॉज अ लाइन इन अ फॉरेस्ट ठीक है इसको कुछ लोग फॉरेस्ट पढ़ते हैं फॉरेस्ट फॉरेस्ट नहीं होगा थोड़ा सा आप आवाज़ ओ की ऊपर ले जाएंगे फॉरेस्ट फौ, ओके बाकी अक्सर लोग इसको सही पढ़ते हैं तो क्या होगा देयर वॉज अ लायन इन अ फॉरेस्ट इसका तर्जुमा हम करेंगे जंगल में एक शेर था एक जंगल में एक शेर था यहाँ पर देयर का तर्जमा हम नहीं करेंगे आपने कहेंगे वहाँ जंगल में एक शेर था इसका तर्जुमा नहीं किया जाएगा और मैंने देयर के बारे में बाकायदा एक लेसन बना रखा है आप वहां पर देख सकते हैं जिसमें से ये है कि जब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आए इसमें सब्जेक्ट अ लायन है अ लायन इन अ फॉरेस्ट तो रूल है कि जब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आए तो हम शुरू में देर का इस्तेमाल करते हैं ठीक है देर के कई सारे इस्तेमाल हैं उनमें से एक ही है जो मैंने अभी बताया और इस सूरत में हम देयर का तर्जा नहीं करेंगे हम क्या कहेंगे देर वॉज अ लायन इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में एक शेर था ओके वन डे एक दिन ही वॉज स्लीपिंग वो सो रहा था ही का मतलब वो वाज का मतलब था स्लीपिंग का मतलब सोना ओके ही वाज स्लीपिंग वो सो रहा था ये आपका सब्जेक्ट है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये स्लीपिंग ये आई एन जी फॉर्म है तो कहेंगे ही वाज स्लीपिंग वो सो रहा था ओके आगे है सडनली अचानक अराइट केम आउट केम केम नहीं होगा के एम आउट ओके अराइट केम आउट कम आउट का ये सेकंड फॉर्म है कम आउट का मतलब होता तो है बाहर आना तो यहाँ पर राइट ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है कम आउट ये आपका पूरा वह बन रहा है सेकंड फॉर्म चूंकि ये सेंटेंस अराइट केम आउट ये एक पूरा सेंटेंस है जो कि है पास्ट इंडेफिनिट में तो इसलिए यहाँ पर हमने केम का इस्तेमाल किया सेकंड फॉर्म तो अराइट केम आउट एक चूहा बाहर आया एंड स्टार्टेड Crawling over the lion and started crawling over the lion. एंड का मतलब होता है और start का मतलब होता है शुरू करना चालू करना Crawl का मतलब होता है रेंगना का मतलब ऊपर the lion का मतलब शेर ठीक है And started crawling over the lion. ये आपका पूरा एक sentence है और यहाँ पर I subject है. ठीक है यानी I, I'm sorry, I का मतलब यहाँ पर rat. Right, okay, he. राइट एंड इस द राइट स्टार्टेड ये पूरा सेंटेंस जो है ये ये पास्ट एंड डिफिनट में है एंड ही स्टार्टेड क्रॉलिंग और द लाइन और वो जो है शेर के ऊपर रेंगने लगा यहाँ पर स्टार्टेड यह सेकेंड फॉर्म है स्टार्ट का ठीक है ये आपका वर्ब बन रहा है ठीक है तो एंड स्टार्टेड क्रॉलिंग और द लाइन वो शेर के ऊपर रेंगने लगा यहाँ पर आप स्टार्ट का तर्जुमा शुरू करना नहीं करेंगे कि वो जो है शेर के ऊपर रेंगना शुरू कर दिया ऐसा नहीं होगा रेंगने लगा ठीक है इसका इस्तेमाल हम करते हैं स्टार्ट का इस्तेमाल लगने के माने में जैसे कोई काम करने लगना ठीक है तो अगर आपको जुमला बनाना चाह रहे हैं कि अब मिसाल के तौर तो पर आप कहना चाह रहे हैं मैं खाने लगा मैं खाने लगा तो आप कैसे कहेंगे आई स्टार्टेड ईटिंग ठीक है स्टार्टेड के बाद आई एन जी फार्म ले आएंगे ठीक है मैं खाना खाने लगा आप कैसे कहेंगे आई आई स्टार्टेड ईटिंग फूड ओके okay, तो यही स्ट्रक्चर है वो आगे चलते हैं द लायन वो कप ये आपका एक सेंटेंस है एंड बिकेम वेरी एंग्री आपका दूसरा सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस ये किसमें है पास्ट एंड डेफिनेट अफर्मेटिव में है इसमें द लायन ये सब्जेक्ट बन रहा है वो कप ये आपका वर्ड बन रहा है और यह एंड जोड़ने के आया हुआ ही बिकेम यहाँ पर सब्जेक्ट हिडन है ही बिकेम ये सेकंड फॉर्म है बिकम का इसका मतलब होता होना मेरी अंगेरी बहुत ज्यादा बेरी का मतलब बहुत अंगेरी मीनस गुस्सा तो क्या होगा द लाइन वो कप शेर जाग गया एंड और अंग बहुत गुस्सा हुआ और गुस्सा हो गया भी आप कर सकते हैं ओके okay, हो गया ही ग्रेब द रेट इन हिज क्लॉस ओके हीज क्लॉस तो ही ग्रेब द रेट ये आपका

दबोच लिया ग्रेब का तो मतलब होता मतलब पकड़ना दबोचना तो ही ग्रेब द राइट इन हिज क्लॉज उसने चूहे को अपने पंजों में जकड़ लिया पकड़ लिया दबोच लिया यहां पर क्लॉज मैंने इस्तेमाल किया हो सकता है दोनों हाथों से यानी दोनों पंजों से पकड़ा हो ठीक है अगर आपने क्लॉ कर दिया है तो इसका मतलब एक ही पंजे से ठीक है तो ये माना हो रहा है एंड वॉन्टेड टू किल हिम ये आपका दूसरा सेंटेंस है एंड ही वॉन्टेड यहाँ पर ही छिपा हुआ है ठीक है ही वाटेड वो चाहता था टू किल हिम उसे मारना या उसे मारना चाहा किल का मतलब जान से मारना होता है ठीक है एक चीज होती मारना हाथ से ऐसे ही मारना वो नहीं है किल का मतलब होगा जान से ही मारना ओके एन वांटेड टू किल हिम और उसे जान से मारना चाहता था या मारना चाहा सेड चूहे ने कहा यह आपका एक सेंटेंस है इफ यू लीव मी इफ़ यू लीव मी अगर आप मुझे छोड़ देते हैं इफ का मतलब अगर यू का मतलब आप या तुम लीव का मतलब छोड़ना मी का मतलब मुझे तो ये जो सेंटेंस है ये एक तरह से शर्तिया जुमला है लेकिन फिर भी हम इसको मान के चलते हैं सिंपल जुमला इफ़ यू लीव मी अगर आप मुझे छोड़ दें ये तर्जुमा होगा अगर आप देखेंगे यू लीव मी का तर्जुमा क्या होगा मुझे, तुम मुझे छोड़ देते हो लेकिन चूंकि इफ़ आगे अगर तो उर्दू में हम कैसे कहते हैं अगर आपने मुझे छोड़ दिया अगर आपने मेरे साथ ऐसा किया राइट इसलिए हम इसको उसी तरह से तर्जा करेंगे तो कहेंगे इफ़ यू लीव मी अगर आप मुझे छोड़ दें आई मे हेल्प यू इन फ्यूचर ये सब्जेक्ट है ये मे ऑगजलरी वर्ब है हेल्प ये वर्ब है यू एक आपका ऑब्जेक्ट है इन फ्यूचर इसको आप दीगर वर्ड मान के चलेंगे ठीक है आई मे हेल्प यू इन फ्यूचर तो मैं मुस्तबिल में आपकी मदद कर सकता हूँ लफ्जी तर्जुमा हुआ आप इसको अगर और अच्छे में करें तो आप कह सकते हैं मैं मुस्तकबिल में आपके काम आ सकता हूं आई मे हेल्प यू इन फ्यूचर मैं में आपके काम आ सकता हूं। में का मतलब होता सकना दिस ये सुनकर हियरिंग दिस ये सुनकर ओके द लायन लॉफ्ट द लायन लॉफ्ट शेर हंस पड़ा हंस पड़ना ठीक है शेर हर्षा भी आप कह सकते हैं द लाइन इज सब्जेक्ट है एंड लव हंसने के बारे में सेकेंड फॉर्म है लाफ्ट तो क्या हो जाएगा द लाइन लॉफ्ट शेर हस पड़ा या शेर हंसाज एंड रिलीज द रेट एंड ही रिलीज राइट यहाँ पर छुपा हुआ है द सब्जेक्ट बनेगा रिलीज है सेकंड फॉर्म रिलीज द रेट ये आपका ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा एंड ही रिलीज द रेट और उसने चूहे को आजाद कर दिया या छोड़ दिया या जाने दिया ठीक है इन में से कोई सब आप ले सकते हैं सब एक ही माने में है तो ये पहला पैराग्राफ है आगे चलते हैं और आगे है आफ्टर सम डेज कुछ दिनों बाद हंटर्स सेट ट्रैप इन द फॉरेस्ट ये इसको हम दीगर मान मानकर चलेंगे असल जुमला ये है सम हंटर्स सेट ट्रैप इन द फॉरेस्ट ये आपका एक जुमला है सम हंटर्स ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है सेट ये वर्ब है सेकंड फॉर्म सेट 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 थर्ड तीनों एक ही आती है इसकी अट्रेप ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है इन द फॉरेस्ट ये दीगर वर्ड्स आएंगे तो क्या तर्जमा होगा कुछ दिनों बाद सम समर से ट्रेप इन द फॉरेस्ट कुछ शिकारियों ने जंगल में एक जाल बिछाया या जाल लगाया ओके एंड द लाइन वॉज इन इट एंड द लाइन वॉज कॉट इन इट ये आपका द लाइन वॉज इन इट ये आपकी पेशी वाइस है द लाइन कॉट शेर उसमें पकड़ा गया था यदि फंस गया था ठीक है एंड द लाइन वॉज कॉट इन इट और शेर उसमें फंस गया था ठीक है तो ये द लाइन ये आपका सब्जेक्ट बनेगा वाज हेल्पिंग कॉट ये आपका वर्ब है थर्ड फॉर्म कैच का इन का मतलब ये दीगर वर्ड्स में आप मानेंगे इसको ठीक द लाइन ट्राइड हार्ड टू गेट आउट ऑफ द ट्रेप ठीक है ये आपका पूरा एक सेंटेंस है द लाइन ट्राइड हार्ड टू गेट आउट ऑफ द ट्रेप तो द लाइन आपका सब्जेक्ट है ट्राइड ये आपका ट्राई हार्ड ये, ये आप इसको पूरा वर्ड मान लें सख्त मेहनत करना किसके लिए टू गेट आउट ऑफ द ट्रेप इसको आप दीगर वर्ड्स मान के चलेंगे टू गेट आउट ऑफ द ट्रेप जाल से बाहर निकलने के लिए ओके द लाइन ट्राइड हार्ड टू गेट आउट ऑफ द ट्रेप क्या तर्जमा होगा शेर ने बहुत कोशिश की बहुत मेहनत की किसके लिए टू गेट आउट ऑफ द ट्रेप जाल से बाहर निकलने की ओके okay? आप जुमला बना सकते हैं आई ट्राइड हार्ड टू फाइंड डैट थिंग मैंने उस चीज को पाने के लिए कोशिश की तो इस तरह से आप जुमले बना सकते हैं तो ये आपका जुमला हुआ बट इन वेन ये जुमला नहीं है इसको आप दीगर वर्ड्स मान के चलेंगे जो कि मैंने पढ़ाया हालांकि इसकी अपनी डेफिनेशन है लेकिन अभी आप बिगिनर्स हैं इसलिए हम इसको दीगर वर्ड्स मान के चलेंगे स्ट्रक्चर के अतबार से बट इनवेन लेकिन नाकाम रहा लेकिन फायदा ना हुआ लेकिन ऐसा ना कर सका तो इनवेन का मतलब होता है जब आप यानी जब आप मेहनत कर रहे होते हैं और आपकी मेहनत ज़ाय हो जाती है आप कामयाब नहीं हो पाते हैं इसको बोलते हैं इनवेन ठीक है बट इनवेन का मतलब लेकिन ऐसा ना कर सका ऐसा ना हुआ यानी वो बाहर नहीं आ सका एंड स्टार्टेड रोरिंग एंड स्टार्टेड रोरिंग और वो दहाड़ने लगा ये आपका पूरा सेंटेंस सही ये आपका सब्जेक्ट है स्टार्टेड ये आपका वर्ब है इसको आप ऑब्जेक्ट मान लें तो क्या हो जाएगा ही स्टार्टेड रोरिंग वो दहाड़ने लगा स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना लेकिन यहाँ पर लगना का भी माना ज्यादा सही होगा वो उसने दहाड़ना शुरू कर दिया ये भी आप कर सकते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा क्या होगा वो दहाड़ने लगा ठीक है तो इस तरह से आप जुमले बना सकते हैं आई स्टार्टेड ईटिंग फूड आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज लाइक डेट उसके बाद है द रेट हार्ड कुछ लोग इसको हेड पढ़ते हैं हेर्ड नहीं होता हार्ड होता है द रेट हार्ड द लाइन रोडिंग ये एक सेंटेंस है पूरा ये आपका पासिव है ठीक है द रेट ये सब्जेक्ट है हर ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि था पास्ट का जो का मतलब होता है सुनना द लायंस लाइन शेर की दहाड़ ठीक है या शेर की आवाज भी आप कर सकते हैं रोडिंग का मतलब दहाड़ना तो होता है बट आप इसको आवाज के माने में भी ले सकते हैं ठीक है तो ये द लायंस रोडिंग ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है ठीक द राइट हर्ड द लायंस रोरिंग चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी या उसकी दहाड़ को सुना या शेर की आवाज को सुना ठीक एंड केम आउट ऑफ हिज होल कम आउट का मतलब बाहर आना यहाँ पर जहां से आते हैं वहां लिखते हैं ठीक है कम आउट ऑफ समवेयर बाहर निकलना तो यहाँ पर समवेयर का मतलब हिज होल चूहा अपने बिल से बाहर आया तो यहां पर सब्जेक्ट ही है राइट आई मीन तो यहाँ पर राइट सब्जेक्ट होगा कम आउट ये आपका वर्ब है और इसी से जुड़ा हुआ है वर्ब से ही बाहर आया ठीक उसके बाद है ही रिकग्नाइज इसको लोग पढ़ते हैं रिकग्नाइज बट रे रे इमालय के साथ पढ़ ओके ही द लायन ये एक सेंटेंस है ही सब्जेक्ट रिकग्नाइज ये आपका वर्ब सेकंड फॉर्म रिकग्नाइज का जानना पहचानना द लायन ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है और ये जो जुमला है ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का है तो कहेंगे ही रिकग्नाइज द लायन उसने शेर को पहचान लिया ठीक उसने शेर को पहचाना नहीं कहेंगे बल्कि उसने शेर को पहचान लिया ये ज्यादा परफेक्ट हो रहा है जो कहानी चल रही है उसके हिसाब से एंड कट टीथ एंड ये कंजेक्शन है जुमले को जोड़ रहा है ही कट यहाँ पर ही सब्जेक्ट है द राइट right के माने में कट ये सेकंड फॉर्म है यहाँ पर इसकी तीनों फॉर्म एक आती है कट 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 ये आपका वर्ब है नेट ये आपको है। आपका ऑब्जेक्ट है टीथ ये आपका दीघे वर्ष में आएगा ठीक है तो चूहे ने जाल को अपने दांत से काट दिया दलायन फ्री ये आपका सब्जेक्ट है इसको प्रिडिकेट मान के चलेंगे ओके दलायन फ्री शेर आजाद था नहीं करेंगे शेर आजाद हो गया घर से लफ्जी तर्जमा होगा शेर आजाद था लेकिन यहाँ पर वाज का मतलब यहाँ पर बिकम बिकम का मतलब होता है होना राइट right? द लाइन बीकेम फ्री ये आप कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप लिख सकते हैं द लाइन बीकेम फ्री शेर आजाद हो गया यह पूरा आपका पास है अगर आप बीकेम लाते हैं वरना इसको हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस ओके एंड ही थैंक द रेट एंड ये आपका जोड़ने के लिए आया हुआ दूसरे जुमले को जो की है ही थैंक्ड तो ही आपका सब्जेक्ट बन रहा है थैंक का मतलब शुक्रिया अदा करना चूंकि ये पास्ट एंड डिफिनिट में था इसीलिए सेकंड फार्म थैंक् और ये दाइट ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है तो क्या तर्जमा होगा And he the right. और उसने चूहे का शुक्रिया अदा किया या उसने चूहे को शुक्रिया कहा ठीक तो ये तर्जुमा उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है अब आपसे मिलते हैं अगले कहानी में व रहमतुल्लाहि व वरकत thank uh you -huh.